यू तो भारत की जीडीपी में बहुत सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, बट डिड यू नो कि इंडिया में पिलग्रिम प्लेसेस भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत में ऐसे कई धार्मिक जगह हैं जहां पर पूरे देश के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ता है। कैसे और कितना फर्क पड़ता है अब वो समझते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, तिरुपति बालाजी, सोमनाथ मंदिर, ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसकी महीने की कमाई लाखों और सालाना करोड़ों में होती है, और अगर इनके एक्सपेंस को हटा भी दे तो भी कमाई करोड़ों की है। 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सैलानी तीर्थ स्थल जाते हैं। भारत की जीडीपी में धार्मिक यात्राओं का योगदान 2.32% है और मंदिर की इकोनॉमी करीब 3.02 लाख करोड़ की है, जिसमें फूलों की बिक्री से लेकर पूजा पाठ से जुड़े दूसरे सामान आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा सैलानी तीर्थ स्थल पर ही जाते हैं। मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थल भारतीयों की आस्था से जुड़े होते हैं, जिसमें लोग खर्च भी दिल खोल कर करते हैं। द सेम इकोनॉमीज ऑफ द टेम्पल ऑल्सो गिव्स इंप्यूट्स टू डेवलपमेंट। इन इंडिया द प्लेसेस ऑफ रिलीजन इज वेरी हाई देयर। द इकोनॉमिक्स ऑफ रिलीजन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन गिविंग मोमेंटम टू द इकोनॉमी। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल यानी साल 2022 के सावन के महीने में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए। रोजाना औसतन 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन किया। 1 जनवरी 2022 को 5 लाख से अधिक भक्तों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन किया। महाशिवरात्रि पर 6 लाख से अधिक भक्तों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन किया। पहले रोजाना औसतन भक्तों की संख्या कभी भी 2.5 लाख प्रतिदिन की सीमा को पार नहीं करती थी। कॉरिडोर बनने से पहले प्रतिदिन औसतन 70,000 श्रद्धालु आते थे। कॉरिडोर बनने के बाद प्रतिदिन औसतन करीब 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। इस साल मई जून के ऑफ सीजन के दौरान भी वाराणसी में भारी संख्या में पर्यटन आए, और होटल मालिकों का दावा है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल कारोबार कम से कम 50% तक बढ़ा है। अब अगर काशी विश्वनाथ मंदिर को मिलने वाले दान की बात करें, अप्रैल 2021 में 71 लाख रुपए का दान, अप्रैल 2022 में 5.45 करोड़ रुपए का दान, मई 2021 में 21 लाख रुपए का दान, मई 2022 में 3.2 लाख करोड़ रुपए का दान। अब अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की बात करें तो मंदिर के दिसंबर 2023 तक बनने की संभावना जताई जा रही है। पूरा मंदिर परिसर 2025 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। शहर भर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। अयोध्या में लगभग 252 विकास परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या और आसपास के जगह में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर सरकार 19,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। पूरे अयोध्या में रियल एस्टेट की दरें भी बढ़ रही हैं। मंदिर या शहर में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक भक्तों के आने की उम्मीद है। रामनवमी और दीपावली जैसे विशेष धार्मिक अवसरों पर श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख तक पहुँचने की संभावना है। रोजाना आने वाले में करीब 50% अयोध्या में 2 या 2 दिन से ज्यादा रुकेंगे, रिजल्टिंग किसी भी दिन शहर में 1 लाख से अधिक पर्यटक ठहरेंगे। धार्मिक और तीर्थ यात्राओं पर औसतन खर्च 2,717 रुपए प्रति रात, शहर की अनुमानित आय 27 करोड़ प्रतिदिन होने का अनुमान है। ध्यान रहे कि राम मंदिर का आंकड़ा अनुमान लगाकर बताया जा रहा है और सोर्स है NSSO सर्वेक्षण 2016। अब अगर सोमनाथ मंदिर की बात करें तो दान 2021 से 22 के बीच में 51 करोड़ रुपए का है और सोमनाथ मंदिर परिसर के विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कुल एक्सपेंस लगभग 300 करोड़ है। और तिरुपति बालाजी मंदिर का राजस्व 2021 से 22 में 3,001 करोड़ रुपए है और दान 2021 से 22 में 933 करोड़ रुपए और मई 2022 में हुंडी में दान 129.93 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा।